इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सिंपलीफाई दिस इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन सारी कॉमन टर्म्स एक तरफ ले लेंगे. जैसे ये m की टर्म ये है, एक m की टर्म ये है और एक m की टर्म ये है. n वाली टर्म्स एक साथ लेंगे एंड देन लास्ट इज p टर्म्स. तो सबसे पहले अपन m वाली टर्म्स एक साथ लिखते हैं. तो 2/3m माइनस 3/4m प्लस 5/2m. देन n वाली टर्म्स एक साथ लिखते हैं, माइनस 4/5n माइनस 5/2n माइनस 5/6n. देन लास्ट इज p. तो प्लस 3/5p प्लस 2/3p प्लस 3/4p. तो इसका एलसीएम लिया अपन ने तो क्या आ गया, 12. 4 times 8m माइनस 9m प्लस 6 into 5 is 30m. ठीक है. देन इसका एलसीएम लिया क्या आया, 30. तो 6 टाइम्स बाहर प्लस लगा देते अपन, माइनस 24n माइनस 15 5 75n माइनस 25n प्लस इसका एलसीएम लिया क्या आएगा, 5 3 का क्या होता है 15, 15 और 4 का 60. तो एलसीएम क्या है, 12 3 का 36 प्लस 40p प्लस 4 into 60 15, 15 into 3 is 45p. तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 38m माइनस 9m इज 29/12m प्लस 120 माइनस 124 माइनस 124/30n प्लस 45 प्लस 40 इज 85 प्लस 30 115 प्लस 6 इज 121 by 60p. Now अगर मैं इसका भी LCM लूं तो क्या आएगा, 60. 5 times तो 29 into 5 is 145 minus 124 into 2 is 248n plus 121. तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन.